हेलो स्टूडेंट, कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि टू डायमेंशनल अरे होता क्या है, टू डायमेंशनल अरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आज हम टू डायमेंशनल अरे का प्रोग्राम देखेंगे। ये प्रोग्राम को आप टू डायमेंशनल में भी लिख सकते हो और मल्टी डायमेंशनल में भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब टू डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, और इनिशियलाइज डिक्लेयर करने के बाद नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम को एड कैसे करते हैं। कंप्लीट ये प्रोग्राम जो है वो आपका एड करके भी बताएगा और इनिशियलाइज करके भी बताएगा, मतलब एक टेबल बनाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आज के प्रोग्राम में, हम क्रिएट करेंगे टू डायमेंशनल अरे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर फाइल लिखते हैं। चलो हेडर फाइल में आपका हेड से इंक्लूड आईएसओ स्ट्रीम डॉट एच, फिर आपका हैज इंक्लूड आपका हेडर फाइल हो गया। अब हेडर फाइल की क्या बात क्या करेंगे हम, इंटीजर मेन। ठीक है, इंटीजर मेन दे दिए। अब क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे टू डायमेंशनल अरे क्या करेंगे, तो इंटीजर सबसे पहले क्या रहता है, टू डायमेंशनल अरे का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीजर मतलब डेटा टाइप, उसके बाद अरे का नाम। तो अरे का नाम ले सकते हैं नंबर, ये ले लिया एन नंबर। ठीक है, उसके बाद दो सब स्क्रिप्ट रहेगा, तो दो सब स्क्रिप्ट में हम ले लेते हैं ये सब स्क्रिप्ट, इसमें ले लेते हैं थ्री और दूसरा सब स्क्रिप्ट हम ले लेते हैं थ्री। अब पहला वाला नंबर ऑफ रो रहता है, दूसरा क्या रहता है नंबर ऑफ कॉलम रहता है, और दो लूप चलाना है, इसलिए हमको दो और वेरिएबल लेना पड़ेगा आई और जे। ठीक है, एक क्या ले लिए आई जे, मतलब ये इनर लूप के लिए है, और एक क्या है आपका आउटर लूप। ठीक है, एक आउटर लूप हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका इनर लूप। और देखो कोई भी वेरिएबल में पहले से गार्बेज वेटिंग रहता है, इसलिए एक और आप ले लो सम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या ले लीजिए सम इज इक्वल टू जीरो ले लीजिए। अब ये क्या है सम इज इक्वल टू जीरो, तो रो वाइज एड करने के लिए हम क्या ले रहे हैं सम, रो वाइज रो को एड करेंगे, इसलिए हम सम इज इक्वल टू क्या कर लिए जीरो ले लीजिए। ठीक है, अब यूजर का काम है, तो यूजर का काम हो जाएगा तो सी आउट। अब सी आउट मतलब यूजर को क्या देना है, हमको मैसेज देना है, तो इंटर नाइन एलिमेंट, थ्री इंटू थ्री कितना होगा नाइन, तो इंटर नाइन एलिमेंट्स। ठीक है, ये मैसेज शो करेगा। अब ये मैसेज शो करने के बाद देखो इंटर नाइन एलिमेंट्स करके शो कर दिया। अब शो करने के बाद हमको लूप चलाना है, तो पहले लूप किसके लिए चलाएंगे, रो के लिए चलाएंगे, तो रो के लिए लूप चलाएंगे। तो हम क्या कौन सा लूप चलाएंगे, फॉर। वन डायमेंशनल में भी कौन सा चलाते थे, फॉर चलाते थे, तो फॉर देखो क्या लेंगे I is equal to zero। ठीक है, I less than three, उसके बाद I को कहां तक चलाना है, I plus one। ठीक है, ये हो गया एक लूप, ये हो गया, ये किसके लिए रो के लिए, उसके बाद क्या कर रहा, ये लूप ओपन हो गया, फिर फॉर चलो फॉर। अब किसके लिए, j के लिए, j is equal to zero, j less than three और j। ठीक है, ये दो बार लूप चला दिए, एक रो के लिए और एक क्या है आपका कॉलम के लिए। इसमें क्या सिंपल वो लूप चल रहा है, और जो आप नंबर है हमें एंटर करोगे उसको क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। अब हमको उसको एड भी करना है, तो एड करना है तो पहले दो बार इसको ओपन किए, आप दो बार इसको मतलब एक ओपन ये हो गया, एक ओपन ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक फॉर लूप को ओपन, एक फॉर लूप को ओपन, दो बार फॉर लूप हो गया हमारा। ठीक है, अब दो बार फॉर लूप होने के बाद हम क्या करा देंगे सी एन, क्या करा देंगे हम सी इन, और सी इन क्या करेंगे रो का अरे का नाम क्या था नंबर, तो नंबर लिख दो। ठीक है, और नंबर लिखने के बाद किसको किसको कराएंगे, तो आई और जे, ये हो गया आई और जे। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, ये क्लोज और ये क्लोज, इतना हो गया। अब ठीक है, ये सिंपल क्या हो गया आपका रो और कॉलम जो है क्रिएट हो गया आपका एलिमेंट्स के अनुसार। अब हम उसको क्या करेंगे, एड करना है हमको, तो एड करना है तो हम क्या करेंगे उसको, तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे, देखो यहाँ तक हो गए सी, उसके बाद आप क्या करो सी आउट, आप क्या लिखो यहाँ पे सी आउट, और सी आउट में लिखो क्या लिखेंगे हम सी आउट में, तो सी आउट में एलिमेंट्स आर। ठीक है, जो एलिमेंट्स आप कराओगे वो लिख दो आप एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया सी आउट, ये फिर मैसेज देने के लिए एलिमेंट्स आर। उसके बाद फिर हमको क्या करना है,
फॉर लूप चल रहे हैं, फिर क्या करेंगे फॉर लूप, सेम हम फॉर लूप फिर चला दो, पहले किसके लिए चला थे, आई के लिए चलाए थे, आई लेस देन 3 आई प्लस ये हो गया फॉर लूप चल गया, उसके बाद ओपन कर दो, फिर सेकंड फॉर लूप चला j is equal to 0 j 3 और j प्लस प्लस ये हो गया। दो बार हम ऐड करने के लिए ये क्रिएट कर दिए, अब हम क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं, यही सम के लिए चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ये दो बार चला दिए उसके बाद क्या करेंगे, जो ये फॉर लूप को क्या कर देंगे ओपन करेंगे, फॉर लूप ये ओपन हो गया, अब सी आउट, अब हम क्या लिखते हैं सी आउट, अब सी आउट में अरे का जो नाम था क्या था नंबर था, ठीक है क्या था नंबर, और ये लिख दिए आई और ये लिख दिए हम जे, एक इनर लूप और एक क्या हो जाएगा आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अब एक को ऐड कर दिया, जैसे मान लो आप 1 दिए हो 1 2 और 3 दिए हो तो ए कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब इसको लेने के बाद फिर से क्या कराओ आप ये वैल्यू वहां पे ऐड ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे तो इसके लिए लिख देंगे आप क्या लिखेंगे तो सम इज इक्वल टू सम, ठीक है सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, और नंबर लिखने के बाद लिख देना आई और लिख देना जे, ठीक है आई और जे, उसके बाद क्या करो ये क्लोज हो जाए। अब इसके बाद देखो आप सी आओ और स्पेस क्या दे दिए हम स्पेस दे दी, ये हमारा स्पेस हो गया और फिर क्या करेगा ठीक है ये क्या करती है सम। उसके बाद न्यू लाइन के लिए सी आओ स्लैश ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे जो गार्बेज वैल्यू है उसको फिर से आप जीरो कर दो, ये एक रो को क्या कर दिया ऐड कर दिया प्रिंट कर दिया, मतलब 1 2 और 3 इज इक्वल टू 6 ये प्रिंट कर दिया। अब फिर सेकंड रो को हमको ऐड करना है तो सेकंड रो को ऐड करेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे फिर लिख दो आप सम इज इक्वल टू 0, मतलब फिर से हम उसको क्या कर देंगे जीरो कर देंगे और ये क्या हो जाएगा आपका क्लोज। उसके बाद लगा दो गेट सीएस और रिटर्न और यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो है आपका कौन सा प्रोग्राम है तो 2 डायमेंशनल में भी चूज कर सकते हो इसको और मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल का ये प्रोग्राम है, इसमें हम क्या किए हैं तो इसमें हम रो और कॉलम का नंबर का पहले प्रिंट कराया है और प्रिंट कराने के बाद हम उसको क्या किए हैं सम, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आप दोनों में लिख सकते हो वो 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, और आप जो थ्योरी है 2 का उसको मल्टी डायमेंशनल में भी क्या कर सकते हो कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू।